हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम गाने जाने वाले हैं, वह देश कौन सा है। यह राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी कविता। तो चलो कविता का गायन करते हैं। नमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख सैग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदिया जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज में, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। इस तरह हमने राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित भारत के वर्णन हेतु बनाई गई इस कविता का अभी अभी गायन किया है। मुझे आशा है यह गायन आप सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।